सो हेलो गाइस, आज हम आए हुए जय स्कोडा। स्कोडा के कार्स बेस्ट प्राइस पे लेने के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हमारे सामने स्कोडा स्लाविया, स्लाविया 3 वेरियंट्स में अवेलेबल है, जो कि है एक्टिव, एम्बिशन एंड स्टाइल। आज हम देखने वाले स्कोडा स्लाविया का स्टाइल वेरियंट इन 1 लीटर इंजन। स्टाइल वेरियंट का डेली में एक्चुअल 12.39 लाख रुपीज़ और इसका डेली में ओनर प्राइस 14.1 लाख रुपीज़। सो वो कदम स्टार्ट करते हैं। कीज से स्मार्ट कीज मिल जाएंगे स्कोडा स्लाविया में विद फ्लिप की फंक्शन, और यहाँ पे कीज के ऊपर आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉक के बटन्स। कीज आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में मिल जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है कीज देखने में। एंड अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको काफ़ी स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक्स मिल जाते हैं। स्कोडा की सिग्नेचर डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाती है स्कोडा स्लाविया में, क्लासिकली एग्रेसिव मिलती है स्कोडा स्लाविया। फ्रंट में आपको हेक्सागोनल ग्रिल मिल जाती है और ग्लोज ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है फ्रंट ग्रिल, और जो ग्रिल के अराउंड आपको क्रोम फिनिश भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे बोनट के ऊपर आपको मिल जाएगा स्कोडा का लोगो, और सेकंड ग्रिल आपको हनीकॉम डिजाइन में मिल जाती है, काफ़ी वाइड ओपन मिल जाती है सेकंड ग्रिल। और जो फ्रंट बम्पर भी आपको काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग दिया गया। एंड अब हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स आपको रिफ्लेक्टर भी दी गई है, ड्यूल चैम्बर्स के इसके हेडलाइट्स में, और हेडलाइट्स में आपको ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। हेडलैम्प्स के नीचे आपको मिल जाएंगे LED बेस्ड डी आर एस, आपको काफ़ी ब्राइट देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे फोग लैम्प्स, ऑल्सो फोग लैम्प्स के ऊपर आपको क्रोम गार्निश भी देखने को मिल जाएगी। नाउ दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ स्कोडा स्लाविया। साइड प्रोफाइल से भी आपको स्लाविया का सेम करेक्टर देखने को मिल जाता है, काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग मिल जाती है स्कोडा स्लाविया। एंड अब व्हील्स की बात की तो व्हील्स में आपको एलोवेस मिल जाएंगे, सिल्वर कलर्ड मल्टीस्पोक एलोवेस दिया गया स्लाविया में। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे व्हील्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे 205x55R16 के टायर्स, और जो साइड प्रोफाइल में आपको मड प्लस भी दिए गए हैं। एंड फेंडर के ऊपर आपको स्कोडा का इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा विद ग्लोस ब्लैक एंड क्रोम फिनिश। एंड टर्न इंडिकेटर्स वॉरियंस भी दिए गए, वॉरियंस आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, और डोर हैंडल्स के ऊपर आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी। नाउ दिस इज द बैक प्रोफाइल ऑफ स्कोडा स्लाविया। बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिल जाती है स्लाविया। स्लाविया का डिज़ाइन आपको ऑक्टाविया से इंस्पायर्ड मिल जाता है। एंड अब टेल लाइट्स की बात करिए तो टेल लाइट्स आपको LED भेज दी गई है, क्रिस्टलाइन टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं आपको स्लाविया में, काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन मिल जाते हैं टेल लैम्प्स, और टेल लैम्प्स स्प्लिट टाइप दिए गए, बट टेल लैम्प्स में आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट रिफ्लेक्टर भी दी गई है। रियर बम्पर के ऊपर आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए, और सोदियर बम्पर के ऊपर भी आपको हनीकॉम डिज़ाइन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बूट के ऊपर आपको मिल जाती है स्कोडा की काफ़ी बड़ी बैजिंग, और यहाँ पे आपको स्लाविया की बैजिंग मिल जाती है। एंड रियर विंडशील्ड पर डीफोकस मिल जाएगा, और हाई स्टॉप लाइट यहाँ पे दिया गया। एंड रूफ के ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना भी मिल जाएगा। सो चलिए अब देख लेते हैं स्लाविया की बूट। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन मिल जाएगा। नाउ बूट स्पेस 521 लीटर्स, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है आपको स्लाविया में। ऑल्सो बूट में आपको लगेज लैंप भी दिया गया, एंड बूट स्पेस आपको एक्सटेंडेबल मिल जाता है। एंड अब स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील आपको स्टील में दिया गया, स्मॉलर साइज में मिलता है स्पेयर व्हील। एंड बूट डोर के ऊपर आपको प्लास्टिक कवरिंग मिल जाती है। सो चलिए अब देख लेते हैं स्लाविया का इंटीरियर। सो ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है विद बेज एंड ब्लैक कलर्स। एंड अब डोर पे दिए गए कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ओरियंस के कंट्रोल, ओरियंस आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं। एंड ऑल पावर विंडोज दी गई हैं विद ड्राइवर सेट ऑटो अप एंड डाउन फीचर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चाइल्ड लॉक बटन। सभी कंट्रोल्स आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाते हैं। एंड डोर के आर्मरेस्ट पे आपको फैब्रिक मिल जाएगा, एंड डोर पैनल्स हार्ड प्लास्टिक में दिए गए, और यहाँ पे डोर हैंडल्स के अराउंड आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश्ड मिल जाएंगे, और डोर ग्रैब हैंडल हार्ड प्लास्टिक में दिया गया, और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स। एंड यहाँ पे स्पीकर दिया गया, और यहाँ पे स्टीयरिंग के राइट साइड आपको मिल जाएंगे हेडलैम्प्स के कंट्रोल। स्कोडा स्लाविया में आपको क्रिस्टलाइन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, बट एम्बिशन वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं दिए गए, और एम्बिशन वेरिएंट में आपको पुश इग्निशन बटन मिल जाएगा। एंड एसी वेंट्स सर्कुलर शेप में दिए गए, वेंट्स के ऊपर आपको ग्लोज ब्लैक एंड क्रोम फिनिश मिल जाएगी, और जो डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश दी गई है। एंड यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्कोडा का इंस्क्रिप्शन मिल जाता है। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, और लेदर टाइप मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील।
स्टेयरिंग के ऊपर आपको ग्लोव ब्लैक एंड क्रोम फिनिश भी दी गई है। एंड अब स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट्स की बात करें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों टाइप एडजस्टमेंट जाता है स्टेयरिंग व्हील। इट्स एडजस्टेबल फॉर बोथ रीच एंड हाइट। स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स, और राइट साइड आपको मिल जाते हैं MID एंड असिस्टेंस के कंट्रोल्स। एंड अब क्लस्टर की बात करें तो एनालॉग डिजाइन मिल जाता है क्लस्टर। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में MID और राइट साइड स्पीडोमीटर दिया गया। MID शो करती है ट्रिप्स, ओडोमीटर टेम्परेचर, रेंज एवरेज, डिस्टेंस टू MT, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ऑडियो ड्राइविंग डेटा सेटिंग्स एंड टेलीफोन्स। स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल और हाई बीम लो बीम एंड इंडिकेटर्स के लिए कंट्रोल, और राइट साइड आपको वाइपर्स का कंट्रोल मिल जाता है। एंड अब इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। इंफोटेनमेंट सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, रेडियो, USB एंड AUX, और स्मार्ट कनेक्टिविटी में आपको मिल जाएंगे एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ऑल्सो आपको वायरलेस स्मार्ट लिंक का फीचर मिल जाता है। गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स दिए गए। स्क्रीन का रिस्पॉन्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेन्यू में आपको मिल जाएंगे फ़ोन कनेक्ट, रेडियो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन एंड एंड्रॉइड ऑटो। एंड यहाँ पे सेटिंग्स में आपको मिल जाएंगे क्विक सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, कार, मीडिया, एप्स, नोटिफिकेशन, और इंफोटेनमेंट की ब्राइटनेस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी ब्राइट मिल जाता है आपको इंफोटेनमेंट, बट आपको इंफोटेनमेंट के साथ फिजिकल कंट्रोल्स नहीं दिए गए। एंड इंफोटेनमेंट के दौरान आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। ऑल्सो डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको काफ़ी प्रीमियम ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एंड डैशबोर्ड के सेंटर पार्ट पे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। ऑल्सो एमिड लाइटिंग भी दी गई स्कोडा स्लाविया में, काफ़ी ब्राइट देखने को मिल जाती है एमिड लाइटिंग। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैजार्ड लैंप बटन, और एसी वेंट्स के दौरान आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी। एंड यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे एसी के कंट्रोल्स, सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टेम्परेचर कंट्रोल, और राइट साइड फैन स्पीड कंट्रोल दिया गया। टच सेंसिटिव मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल्स। एंड फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपके यहाँ पे 2 USB टाइप सी पोर्ट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको मोबाइल फोन रखने के लिए स्टोरेज मिल जाएगी। 6-speed मैनुअल के साथ मिलती है आपको स्कोडा स्लाविया। ऑल्सो आपको स्लाविया में ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो चलिए अब देख लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी। डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की, और गाइडलाइंस मिल जाती है रिवर्स पार्किंग कैमरा में। गियर नॉब के ऊपर आपको यहाँ पे ग्लोव ब्लैक एंड क्रोम फिनिश दी गई है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक अनलॉक और आइडन एंड स्टार्ट स्टॉप बटन। सेंटर कंसोल के ऊपर आपको ग्लोव ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट पैनल डिस्प्ले 12 सॉकेट मिल जाएगा। ऑल्सो की रखने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस भी दिया गया। एंड फ्रंट पैनल्स के लिए आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और आपको स्लाविया में मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। एंड फ्रंट पैनल्स के लिए आर्मरेस्ट भी दिया गया, स्लाइडिंग मिल जाता है आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे डिसेंट स्पेस मिल जाता है, और आपको मैनुअल डिमिंग IRM दिया गया है। एंड रूफ में आपको 2 रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे, LED बेस्ड मिल जाते हैं रीडिंग लैंप्स। ऑल्सो स्लाविया में आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा। एंड कोड वेबसाइट वेनेट में दिया गया, और सनवाइज़र इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को, ऑलमोस्ट वन थर्ड विंडो को छोड़ देता है सनवाइज़र। एंड रूफ में आपको सॉफ्ट फोल्डिंग ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं, बट ड्राइवर साइड वेनेट में नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। एंड ग्लो बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है, मैनुअल्स वगैरह यहाँ पे ईजिली आ जाएंगी, और कूल्ड मिल जाता है आपको ग्लो बॉक्स। फ्रंट सीट्स के एडजस्ट एडजस्टेबल हैं, 8-way एडजस्टेबल मिल जाती है आपको ड्राइवर सीट, और आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है स्लाविया में। सो चलिए अब देख लेते हैं रियर सीट कंफर्ट। एंड अब रियर डोर की एमेनिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, फैब्रिक फिनिश, क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे। एंड नीचे आपको मिल जाएंगे बोटल होल्डर एंड पॉकेट्स, और यहाँ पे स्पीकर दिया गया। एंड ये सनशेड्स एक्सेसरीज का पार्ट है। सो चलिए अब देख लेते हैं स्लाविया का कैबिन स्पेस। काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस मिल जाता है स्लाविया में। फ्रंट सीट में रेट के हिसाब से एडजस्टेड है मेरे 8-5-10। लेग रूम, नी रूम एंड ऑल्सो हेड रूम में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए आपको मिल जाएंगे 2 AC वेंट्स, एंड वेंट्स के नीचे आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट्स भी दिए गए हैं, और यहाँ रूफ के ऊपर आपको 2 लैंप्स दिए गए हैं। एंड सॉफ्ट होल्डिंग ग्रैब्स मिल जाती हैं विद अ कोट हुक। ऑल्सो रियर सीट्स के एडजस्ट भी एडजस्टेबल हैं, 3 एडजस्ट मिल जाते हैं रियर सीट्स पे। एंड रियर सीट्स पे एक आर्मरेस्ट भी दिया गया विद 2 कप होल्डर्स। 64 डिस्प्ले मिल जाती है रियर सीट्स, फर्स्ट इन सेगमेंट फोल्डेबल सीट मिल जाती है स्लाविया में। ये भी आपको आउटस्टैंडिंग फीचर मिल जाता है स्लाविया में। सो चलिए अब देख लेते हैं स्कोडा स्लाविया का इंजन में। सो
So the engine of Ford and Skoda Slavia is 1 liter 3-cylinder turbocharged engine, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 178 Nm. बोनट इज नॉट इंसुलेटेड. एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, आपको मिल जाएंगे 2 airbags, ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, मोटर स्लिप रेगुलेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रफ रोड पैकेज, फॉलो मी होम हेड लैम्प्स, एंटी पिंच ड्राइवर विंडो, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, ISO साइड माउंट्स, हिल असिस्ट एंड अदर बेसिक फीचर्स. सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं आप, एंड चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.